के साथ। आइए बात करते हैं यहाँ के कुछ लोकल लोगों से चुनाव के बारे में। पहले अपना नाम बताइए। आपको क्या लगता है कि इस बार आने वाले चुनाव में किस सरकार का पल्ला भारी? योगी नहीं किए हैं तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से योगी सरकार ने जो कार्य किया वो अन्य सरकारों ने नहीं किया? आप लोगों के बारे में बताना चाहेंगे। अन्य सरकारों ने भी किया है, योगी ने नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है इसमें ज़्यादा बेहतर हुआ है। तो आपको लगता है कि मैं भी चाहती हूँ कम से कम एक बार इस बार योगी आए तो हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। आप करते क्या? मैं ऐसे चने बने बेचता हूँ, डेली बेली लगाता हूँ। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने कार्य किया उससे आप खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं योगी से। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में किसका पल्ला भारी होगा? इसके आने वाले चुनाव में योगी जी का पल्ला भारी पूरा पूरा है और रहेगा। आपको क्या मांगे हैं सरकार से कि वो और ज़्यादा आपके लिए? हमारे लिए यही करें, गरीबों की तरफ देखें, ध्यान दें और गरीबों के लिए राशन बंटवा रहे हैं और इस तरीके और बढ़िया तरीका से बंटवाएँ और आगे वाले समय में बीजेपी सरकार में अभी तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर उसके बाद में आए तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री जी के पद पर आए। आपको इससे ये चाहते हैं कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है इस सरकार में। जनता आम जनता को चैन से जी रही है, जनता बहुत दिक्कत में थी समझ लो, ना दिन में चैन रात में चैन, चोरे चक्के उठाई गिरे बदमाश गुंडागर्दी दबाव हर किसी पर चलता था, अब वो गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है समझ लो इस बारे। और विकास भी अच्छा कराया योगी जी ने, मोदी जी ने भी विकास अच्छा कराया है और करा रहे हैं किसी तरफ चले जाए। आप देख सकते हैं कि योगी सरकार में इतने मंदिर निर्माण हो रहे हैं जगह जगह, इस पर आप क्या कहना चाहिए? और बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो भी विकास कर रहे हैं योगी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास कर रहे हैं पूरे भारत के लिए, ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार हैं जो ऐसा काम पूरे भारत के लिए अपना पूरी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भारत के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं। केवल बीजेपी आएगी और कोई सरकार नहीं आएगी, सबकी राय बीजेपी। तो आपको ऐसा इस सरकार में क्या खास बात है जो आप फिर से चाहते हैं कि ये सरकार फिर से आए? इससे बढ़िया जितना काम किया ना कोई करेगी। किस प्रकार के कार्य सरकार ने किए? सारे अच्छे किए हैं इसने, कोई गलत नहीं किया। आगे आगे वाले तो आप किस तरह से देखते हैं कि ये आए और किस तरह से और विकास की उम्मीद करते हैं सरकार? सारे विकास करेगी जब जब ये रहेगी, बाकी जो सरकार आए गड्ढे में ले जाएगी, बात खत्म। ये भी बात है। मैं स्टूडेंट हूँ राजीव हुसैन दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज का। जैसे कि अभी यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं विधानसभा, तो आपको क्या लगता है कि मैडम इस बार का पल्ला भारी तो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा, योगी सरकार का होगा, क्योंकि सर मैडम उन्होंने काफ़ी यूपी के अंदर एक तो लार्जेस्ट हमारा स्टेट है पूरे भारत के अंदर, और इस भारत में सबसे लार्जेस्ट स्टेट, सबसे एक महत्वपूर्ण हमारा देश जो फोकस करा जाता है, जो सभी जनता देखती है वो यूपी देखती है, तो ज़्यादातर जो लोगों का फोकस है वो यूपी पे ही है, तो उनका जो डेवलपमेंट है एक सबसे बड़ी बात उनका राम मंदिर का, उनको इन्हें एक तो हिंदुत्व को प्रमोट करा है और जो हमारे कई सारे जैसे 1990 आपके वन से लेके 1999 तक हमारे राम मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ था, तो इसी साल तो राम मंदिर का निर्माण है, तो मैं ये समझता हूँ कि योगी सरकार हमारे मतलब अच्छी सरकार आएगी, बाकी मुझे ऐसा कोई मतलब लगता नहीं है कि उनके अलावा कोई होगा। देखिए वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ तो कराया उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इतना भी नहीं करा, लेकिन पर यूपी के अंदर आपकी ये रोड और ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने काफ़ी अच्छी करी है, जिससे लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट और जाना जैसे कॉलेजेस जाना स्कूल जाना तो वो काफ़ी अच्छे हुए हैं यूपी में। तो आप क्या चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में उनकी क्या कमियां रही है जो वो आगे कमियां हम ये नहीं कह सकते कि कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत हमारे जो स्कूल एंड कॉलेजेस में उसको डेवलप होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होने चाहिए, जिससे कि और एक हॉस्पिटल होने चाहिए यूपी के अंदर काफ़ी अच्छे। मेरा नाम है, क्या है?
सरकार आनी चाहिए गरीबों की सेवा के लिए, जैसे जिले बढ़ रही है, गरीबाई कितनी वो हो रही है, पब्लिक मरी जा रही है कमाते कमाते, और कितना वो महंगाई चल रही है। क्या मांगे हैं सरकार से, तो आपके लिए एक आम आदमी के लिए सरकार को करनी चाहिए, तो उसमें नहीं किया करना चाहिए, तो गरीबों को देके सरकार उनके पेट को खाने को तन को नहीं है, घर छोड़ कर परदेश में पड़े हुए हैं, काम धंधे के नहीं है, काम में कोई सैलरी है वही है, जैसे 7,000 कमरों का किराया देना, आटा कितना भाव है, 35 रुपये आटा है, 300 रुपये तेल है, तो पब्लिक क्या करेगी। जैसा जन सैलाब अभी अखिलेश जी के साथ उमड़ रहा है, उसे देखते हुए आज अखिलेश जी का लग रहा है मुझे कि अखिलेश जी ही सरकार बनाएंगे, और काम बीजेपी ने भी किए, लेकिन अभी तक की जो है आगे क्या होता है ये पता नहीं, लेकिन किसान बिल वापसी से थोड़ा फर्क पड़ेगा, बीजेपी भी इंक्रीज करेगी, लेकिन जितना जन सैलाब और जितनी सारी लोगों की भीड़ उनकी किसी रैली में देखी जा रही है, जहाँ भी वो जा रहे हैं विजय यात्रा जो कर रहे हैं वहाँ आप देखो तो जन सैलाब उमड़ रहा है उनकी सारी रैलियों में, जो भी आम आदमी बहुत आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अभी समाजवादी पार्टी ही इंक्रीज करी, लेकिन डे बाय डे क्या आता है, चुनाव का क्या होता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि किसान वापसी से ना बहुत फर्क लगने वाला है, किसान बिल वापसी से पश्चिम में भी और पूर्वांचल में। समाजवादी की सरकार आनी चाहिए, तो ऐसी क्या खास बात है? समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनी थी तो किसानों का दमन नहीं किया जाता था, हमारे पास ग्रेटर नोएडा में एक गाँव है मकौड़ा, जिसका सुप्रीम कोर्ट से अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल रद्द कर दिया था, समूचे गांव का उनका अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था, समाजवादी पार्टी में उस जमीन को छेड़ा नहीं गया, अथॉरिटी से काफी बार लेटर गए, डीएम को उन्होंने लेटर लिखा, लेकिन सरकार ने उस पर नहीं ध्यान दिया, उन्होंने कहा किसान की जमीन है किसान के पास रहेगी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही उन जमीन का अवार्ड घोषित कर दिया गया, किसानों की कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों के आज तक कोई 10% के मुद्दे हल नहीं हुए पूरी सरकार में, और आज भी किसान धरना स्थल पर बैठे हुए मकौड़ा गाँव में, और हाईकोर्ट मजबूरन सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए किसान को मजबूरन हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, हाईकोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, बड़े बड़े वकीलों की फीसें दी जा रही हैं, लेकिन तब भी अभी भी सी पर है, जो जो लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में जीत चुके हैं उसके लिए फिर से हम हाईकोर्ट लड़ना पड़ रहा है, तो किसानों का दमन किया जा रहा है सरकार। मेरा नाम जी, कैसे कि यूपी में आप इलेक्शन आने वाले, आपको क्या लगता है कि सरकार क्या रहेगी? बीजेपी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को फिर से आना चाहिए, ऐसे इसने क्या इतने विकास कार्य किए हैं कि आपको लगता है? वो किया है तो किसी सरकार ने नहीं किया, पहले तो गरीबों को उन्होंने राशन दिया है, हर गरीबों को ध्यान रखा है मोदी जी और योगी जी, दोनों ही ऐसे हैं जो अभी तक कोई सरकार आई नहीं है, ऐसी सरकार लेडीजों का मान सम्मान रखा है उन्होंने, जो अभी तक किसी सरकार ने, अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी ये तो सब गुंडागर्दी करते थे, मगर मोदी जी सब लेडीजों की रक्षा करते हैं, वही आने चाहिए दोनों को। देखिए कहना तो मुश्किल है, क्योंकि अब बीजेपी की बात करें तो मतलब योगी जी ने काम अच्छे किए हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो उसमें बीजेपी नज़र आती है, जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ा फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेके तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है, फिर थोड़ा सा वो कुछ जहाँ पर क्राइम की चीज़ें हैं जिसके काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, उसमें काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, फिर आई मीन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम सुनने में आता है कि ठीक है हिंदू मुस्लिम वाली बात, बट उसमें भी जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो उसमें न्यूट्रल रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो हिंदू के पक्ष में ज़्यादा है या मुस्लिम, तो वो चीज़ अच्छी, बट अब स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं आगे वो कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तो सोचता हूँ कि योगी जी की सरकार ही आएगी शायद आने की चाहिए। हाँ, सेफ्टी तो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है अभी यूपी सरकार ने, और मुझे लगता है कि उनको ही आना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं को बहुत बेनिफिट्स मिले उनकी वजह से, तो मेरे हिसाब से भी योगी जी।
तो आप इसका ऐसा ओपिनियन कि योगी सरकार को फिर जाना चाहिए, इसके पीछे की क्या आपकी सोच है कि देखिए मतलब मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट जो काम मैंने देखा है अभी तक स्पेशली डेवलपमेंट का वो मुझे अच्छा। और दूसरा देखिए मतलब एज अ हिंदू लाइक और जो भी है मतलब एज अ नेटिव ऑफ इंडिया तो मुझे भी एक जो इनका जो राम मंदिर वाली बात है मुझे जो अच्छी लगी और जो मंदिरों को लेके मतलब इसमें मैं अगेन हिंदू मुस्लिम लेके नहीं जाता, लेकिन हाँ इसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर हम अपने मंदिरों को आगे ठीक करें तो ये एक अच्छी बात है। और जो क्राइम का जो स्पेशल फैक्टर है ना उसमें उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन मुझे नज़र आया, तो ये एक अच्छी बात है जो पहले की सरकारों में इतना विजिबल था नहीं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो ये एक मेरा मेन रीज़न है कि इस वजह से मैं बोलूँगा कि योगी जी आने चाहिए दोबारा से। लीडरशिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मतलब एक होता है ना कि क्वालिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। और भाई ये क्राइम का भी थोड़ा सा कम हुआ है जी। पहले आप अपना नाम जी? मेरा नाम नितेश भाटी है। और आप करते क्या? जी मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। जैसे कि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं उस पर आप क्या रहे कि सरकार क्या निकलेगी? देखो जी सरकार आओ कोई सी भी, मैं तो बीजेपी के साथ जो भी मुझे बीजेपी के साथ में रहना पसंद है और मेरी फैमिली भी और मेरे गांव में ज़्यादातर जो है वो बीजेपी के ही आदमी जो भी वोटर हैं जितने भी संस्था के जो भी हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो आपको इस सरकार में ऐसे क्या खास बात लगी है कि आप इस सरकार को फिर से देखना चाहते हैं? भ्रष्टाचार। देखो पहले कितनी गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होती थी, रेप होते थे, ये बहुत कम ना के बराबर कोई होएगा नीच आदमी जो ये सब करता होएगा। अब प्रशासन देखो आज की टाइट में कितना टाइट है नहीं है भाई। वो बताते कोई कि भाई किसानों को वो कर दिया ये कर दिया, अरे जब महंगा शेर पड़ा तो महंगा तो करने पड़ेंगे ना। तो देखो अरे ये बताते को बोलता है कि भाई हमारे पेट्रोल बढ़ रहा है, कृषि पे कुछ नहीं चल रहा है। तो देखो आदमी को सब्र रखना चाहिए, उसका फल मिलता है, ये नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा जरूर। फिर भी मैं कहूँगा मैं तो बीजेपी सरकार की तरफ से हूँ और बीजेपी सरकार को वोट देता हूँ मैं, और मैं अपने फैमिली को अपने गांव वालों को भी। हम गांव के प्रधान हैं गांव राजपुर से और मेरे अंकल जी प्रधान हैं, तो मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी सरकार हमारे राज्य में आए। हाँ जी टेनिस में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।